अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आया हूँ, 12 किल्स निकाले भाई ने, वो भी सोलो भी स्क्वाड खेल के, मतलब टोटल कयामत, मज़ा या जहर एकदम, समझ रहे हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई का थोड़ा गला खराब है, तो ना थोड़ी सी कमेंट्री को ऐसी या थोड़ा सा इन्जॉय कर लेना, थोड़ा सा इग्नोर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा सा, और दूसरा ये शोर आएगा उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा यार, ऐसा देखो होता है। मेरी पुरानी वीडियो जो इससे पिछली वीडियो जो लास्ट में कार्ड डाल दूंगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना, उस वीडियो को जाके देखो प्लीज़। इट्स माय इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज़ लुक एट माय उस यार उस वीडियो को देख लेना, बस यही कह रहा हूँ। अपनी इंग्लिश जैसी ठंडी यार। तो ये हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, और मैं इसको पता है जब ये मैच शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा ये ऐसा है कि हम खेल रहे हैं स्क्वाड वी स्क्वाड, ठीक है। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ तो ये ट्रियो वी स्क्वाड हो गया, हम तीन हो गया, वो तीन में से भी एक जो जाती मर गया, बॉट आया वो बात। उस बंदे को पता है क्या हुआ था, उसने बोला मैं सबको मार दूंगा, हमने बोला जब मार के दिखा वो गया, वो मर के आ गया और फिनिश भी हो गया। अब मेरे और मेरा टीम मेट मतलब डू वी स्क्वाड हो गया, और ये टीम मेट अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सोलो वी स्क्वाड हो जाएगा। अब यहाँ पे इस हुआ था कि बंदे बहुत सारे आगे फिर रहे थे सामने, और भाई ने एक एम की स्पर से क्या लेके क्या ये देखो, भाई साहब मजे फुल टाइट वाले मजे विथ नशे आए हाय, क्या ही बात, समझ रहे हो। मतलब एक स्पर से दो एक एम की स्पर से दो किल्स लेके गया भाई, तालियां इसके लिए। फिर हमने लूट वूट की उनकी, और पाकिस्तानी थी तो बड़ा मुझे खुशी हो रही थी यार, चलो थोड़ा नाम आ रहा है गेमिंग वाइटी फ्रॉम गेमिंग वाइटी। फिर एक बॉट देखा और उसको बॉट को तो उसके उसके पे हेडशॉट लगी गया, और ये बड़ा तो मुझे इसका भी किल मिल गया। हम फिर अब लूट कर रहे थे, और फिर मेरे टीममेट का जो इशू है ना, जो नंबर 3 का इशू ये आया था कि एमुलेटर्स का ये अक्सर इशू आता है कि जो क्लिक आप दबाओ ना दबाओ आपका ऑटो फायर होता रहेगा, मतलब गोली चलती रहेगी, अगर आप हाथ में कुछ भी नहीं है तो मुक्के चलते रहेंगे वरना गोली चलती रहेगी। ये सीन ऐसा है तो किस जगह वाला, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बार बार, क्योंकि बंदे हम चुप रहे थे तो बंदे स्पॉट हमको खुद ही कर लेते थे क्योंकि गोली ऐसे चलती। फिर एक बॉट आता है, लेकिन ये बड़ा कन्फ्यूज हूँ मैं, क्योंकि ये बॉट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये झंडा जो है ना, ये जो फ्लैग है, ये हमेशा मैंने देखा है इंडोनेशियन प्लेयर्स का, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो ये समझ में आया ये बॉट है क्या है। फिर हमें टावर 7 स्टार टावर पे था, तो गाड़ी आती है, और मैंने बोला मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, क्योंकि देखो टीममेट मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया, एक फिनिश हो गया। तो मेरा ये प्लान था कि इनको आगे जाने दो, इनको पीछे से मारेंगे, लेकिन ये जो दो थे ना, एक नंबर के नल्ले टॉप क्लास के प्लेयर्स थे, उनको घंटा भी खेलना नहीं आता था। ये देखो कैसे, मतलब मैं पीछे इस वजह से हो गया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत अच्छे प्लेयर होंगे और ये मुझे नॉक ना करेंगे, तो मैं मतलब पीछे से जाके जहाँ से मुझे दोनों का एंगल मिल सके मैं वहाँ से जाके मारूंगा। यहाँ पे मैं पहले तो इंतजार करता था, एक बॉट आया उसको मारा, और फिर साउंड इतना प्यारा आ रहा था, मुझे लगा ये बंदा ऊपर आ रहा, मेरे दिल की धड़कन हाई लेवल पर जा रही थी, लेकिन ये भी बॉट ही था जो डरा रहा था मेरे को, और मतलब देख रहे हो बॉट भी हमको डरा रहे हैं, मतलब एंगल 2.0 में तो क्या ही हो रहा है भाई, क्या ही बात। अब हम पे हो जाता रश, और देखो कैसे निकला भाई इस रश से, हाय 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 हाय, एक स्क्रीन M4 ज़्यादा क्यों हुआ, ये M4 रीचल की स्क्रीन दो बंद लेके जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक खान साहब की कहानी, जो कि लगा के आए हुए थे नस्वार। मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा लेटा हुआ ऐसे था, उसका नाम मिस्टर खान DX ऐसे कुछ था, और पता नहीं कहाँ की नस्वार लग गया था भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन नस्वार तो टाइट लग गया था। ये देखो आए हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये उन्हीं का सेट टीममेट लग रहा था मेरे पास, मतलब कोई मसला ही नहीं है, क्या हो रहा है ये। मेरे 12 किल्स हो चुके हैं, 12 ही अलाइव हैं, ठीक है। अब मेरा टीममेट भी आ गया है, आ गई है, है? अब यहाँ पे हम मैंने बोला हम ब्रिज कैंप करते हैं, क्योंकि जोन हमारी तरफ से और ड्रॉप सामने तो गाड़ी रुक जाएगी, और फिर गाड़ी जैसी गई तो मेरा टीममेट मुझे बोलने लग गया हैकर हैकर हैकर, मतलब एक कॉमन सी बात है ना, गाड़ी जाएगी क्यों नहीं जाएगी। अब ये सामने वाले से बच रहा था, मैंने देखो कितना ही इसको लूट किया, लेकिन हमारे एक गोली मार के किल ले गया, हमके साथ दो कोना वाला 13। अब गाड़ी आ गई, गाड़ी वालों ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, मैंने उसको सिक्योर किया। अब बंदा स्पॉट कर रहा हूँ, मैं बंदा स्पॉट हुआ पहले सर, एक नॉक, गमगीन दास्तान है ये बहुत, दो नॉक,
दोनों को चुके हैं, एक बचा है एक डिस्कनेक्ट है उनका। अब क्या होता है, अब हो जाता है एक मास्टर प्रैंक और कैमरा लगा होता है ऊपर। प्रैंक ये था कि सर्वर हो जाता है ग्लिच, 12 किल्स, सामने बंदा है, कितना ही स्प्रे ले लो उसको असर ही नहीं हो रहा है, कितनी गोलियां मार लो उसको परवाह ही नहीं है क्योंकि सर्वर हो चुका है ग्लिच। अब मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे तब गुस्सा आ रहा था ना यार, 12 किल्स हैं मेरे, इतना अच्छा मैच जा रहा है, आराम से मेरे 17-18 किल्स निकल जाते अगर ये ग्लिच ना होता। अब मैं रिवाइव आके दे रहा हूँ, ये बैठता है, शॉट्स आते हैं और मैं मर जाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, सब्सक्राइबर बहुत चाहिए मेरे को। अभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत तरह ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।